बहुत अच्छी दवा है। बाणभट्ट ऋषि और चरक ऋषि दोनों इस पर सहमत हैं कि हाई ब्लड प्रेशर हो और लो ब्लड प्रेशर दोनों में ही नमक मेडिसिन है, अलग अलग उपयोग में। जिनको ब्लड प्रेशर ऊंचा है उनको चरक ऋषि बोलते हैं समुद्र स्नान करना। अब आप बोलेंगे धमतरे में समुद्र कहां से आएगा, तो मैं बताता हूं पानी जो नहाने के लिए है उसमें नमक मिला दो, समुद्र तैयार हो जाएगा। नमक के पानी से नहाओ, साधु मत लगाओ। 15-20 दिन सतत अगर आपने नमक पानी से स्नान किया 16 दिन ब्लड प्रेशर चेक करना नॉर्मल मिलेगा। और जिनको ब्लड प्रेशर लो है उनके लिए है कि नमक पानी में मिला के पियो। लेकिन नमक कौन सा, ये वाला नमक नहीं, आयोडीन युक्त ये नहीं, ये नमक नहीं है। ये नमक के नाम पर आपको जहर खिलाया जाए, आपको मालूम है आयोडीन युक्त नमक में दो केमिकल है जो बहुत ही खराब है, एक का नाम है पोटेशियम आयोडेट और दूसरा है एल्यूमिनियम सिलिकेट। ये दोनों ही केमिकल शरीर में जाने तो नपुंसकता लाते, इसलिए दुनिया के सभी देशों में आयोडीन युक्त नमक बंद है भारत को छोड़कर। फ्रांस में, जर्मनी में, स्वीडन में, स्विट्जरलैंड में, डेनमार्क में, नॉर्वे में, अमेरिका में, सब जगह बंद है, आयोडाइज्ड सॉल्ट नहीं खिलाते। भारत में चालू है, हमने इसके खिलाफ केस किया बंबई हाई कोर्ट में, और वो केस पर हाई कोर्ट ने स्टे दिया और सरकार इसको पूरे देश में कंपल्सरी नहीं कर पा रही है। अगर हम हार गए तो सरकार करेगी और हम जीत गए तो सरकार के पीछे हटना पड़ेगा। हमने जो केस किया है वो इन देशों के बारे में बताया कि 20 से ज्यादा देश हैं जहां पर आयोडीन युक्त नमक पर पाबंदी है, वहां के वैज्ञानिक जो कह रहे हैं वो हमें सुनना चाहिए। तो कोर्ट ने कहा ठीक है, तो वहां भी बहुत सारी रिपोर्ट्स हमने कोर्ट में डाली तो कोर्ट ने इसके दे दिया, अभी कंपल्शन हट गया, आयोडीन युक्त नमक आप ना खाएं तो भी चलेगा, सादा नमक भी खा सकते हैं। विदेशी वैज्ञानिकों का कहना है कि आयोडीन युक्त नमक से नपुंसकता बहुत ज्यादा बढ़ती है। डेनमार्क देश में तो इतनी बुरी हालत हो गई है, 20 साल उन्होंने आयोडीन युक्त नमक खिलाया अपने लोगों को, आज वहां बच्चे पैदा नहीं हो रहे, तो वहां बंद कर दिया उन्होंने आयोडीन युक्त नमक। और वहां एक नई स्कीम आई है, ज्यादा बच्चे पैदा करो तो इनाम मिलेगा, 50,000 यूरो डॉलर कैश प्राइस, एक बच्चा है दूसरा कर दो तो 1,00,000 यूरो डॉलर। उन देशों में ये समस्या आ रही है। भारत में सरकार का एक अधिकारी मुझे बोलता है कि राजीव भाई हमने भी इसी समस्या का समाधान करने के लिए लाया है, क्योंकि भारत में जरूरत से ज्यादा जनसंख्या और ये कम नहीं हो रही है, तो हम आयोडीन युक्त नमक खिलाएंगे, 5-7 साल में नपुंसकता बढ़ जाएगी तो बच्चे होंगे ही नहीं, तो भारत की समस्या हल हो जाएगी। ये भारत सरकार का चिंतन है, ऐसा सरकार सोचती है, तो आप मत करिए इसका। मेरी मान्यता में जनसंख्या कम करने की कोई जरूरत अपने को नहीं है, अपने को जनसंख्या कम करने की जरूरत नहीं है, संसाधनों का बंटवारा ठीक होना चाहिए इसकी जरूरत है भारत। जनसंख्या अपनी बहुत ज्यादा नहीं है, पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे ज्यादा जनसंख्या है जापान की, उनको चाहिए कम, क्योंकि उनके पास एरिया तो है नहीं, बहुत ज्यादा लोग हैं। उसके बाद है हॉलैंड, नीदरलैंड, फिर है डेनमार्क, फिर है नॉर्वे, इन देशों को जनसंख्या कम करनी चाहिए। भारत में अभी संसाधनों का बंटवारा ठीक करो, जनसंख्या इस देश में ज्यादा नहीं है, संसाधन कुछ लोगों के पास तो इतने हैं कि उनको पता नहीं क्या करें, और कुछ के पास कुछ भी नहीं है वो भूखे मर जाएं, ऐसा देश है भारत, ये ठीक करने की जरूरत। तो आप नमक खाओ, बिना आयोडीन वाला खाओ, डेले वाला नमक खाओ, क्रिस्टल वाला नमक खाओ, वही अच्छा है। और पानी में मिला के स्नान करना हो तो वही क्रिस्टल वाला नमक।